दोस्तों आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल बी योर मनी मैनेजर। दोस्तों विकसित देश फ्रांस से क्रिप्टो करेंसी निवेशकों के लिए एक बड़ी खबर आ रही है, अच्छी खबर आ रही है, खुशी की खबर आ रही है। तो वो खबर क्या है ये हम आपको इस एपिसोड में आगे बताएंगे, लेकिन सबसे पहले मैं आप सबसे गुजारिश करता हूँ कि अगर अभी तक आपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर ले, साथ ही साथ अपने दोस्तों रिश्तेदारों अपने जान पहचान वालों को भी इस YouTube चैनल को शेयर करने के लिए कहें, सब्सक्राइब करने के लिए कहें, लाइक करने के लिए कहें, सवाल पूछने के लिए कहें, क्योंकि इस YouTube चैनल के जरिए पैसों से जुड़े हुए आपके हर सवाल के जवाब दिए जाते हैं आपकी भाषा में आसानी से। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों भारत में क्रिप्टो करेंसी को टैक्स के दायरे में तो सरकार ले आई है, लेकिन इस पर साफ साफ कानून लाने को लेकर अभी भी असमंजस में है। हालांकि विदेशों में अब बड़े पैमाने पर बिटकॉइन, इथीरियम, रिपल समेत सारी क्रिप्टो करेंसी को स्वीकार किया जा रहा है। अभी तक केवल अल सल्वाडोर, पनामा जैसे छोटे मोटे देश ही क्रिप्टो करेंसी को सरकारी मान्यता दे रहे थे और कुछ नामी गिरामी कंपनियां क्रिप्टो में भुगतान स्वीकार कर रही थी। वहीं अब फ्रांस जैसे बड़े और विकसित देश में इस मामले में बड़ा कदम उठाया गया है। तो फ्रांस के फाइनेंशियल रेगुलेटर AMF ने दुनिया के दिग्गज क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज बाइनांस को क्रिप्टो करेंसी का कारोबार करने का लाइसेंस दे दिया है। यानी फ्रांस में बाइनांस के जरिए अब क्रिप्टो को खरीदा बेचा जा सकता है, उसे स्टोर किया जा सकता है, उससे लेन देन किया जा सकता है और ये सब कानून के दायरे में होगा। बाइनांस के CEO CZ बाइनांस ने फ्रांस से लाइसेंस मिलने की जानकारी खुद दी। I'm pleased to announce that Binance France has been granted registration as a digital asset services provider by the AMF, which regulates the French financial markets, with the approval of the ACPR, the French banking supervisor. Binance France a été de développer ses activités avec l'écosystème français. इस तरह फ्रांस 7 विकसित देशों के ग्रुप G7 का ऐसा पहला देश है जिसने क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज को कारोबार करने का लाइसेंस दिया है। इससे दूसरे बड़े देशों में भी क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज को कारोबार करने की मंजूरी दिए जाने की उम्मीद बढ़ गई है। उधर भारत में क्रिप्टो को लेकर निवेशकों और क्रिप्टो कारोबारियों में हालांकि खासा उत्साह देखा जा रहा है, लेकिन सरकार के अड़ियल रवैये और हाल ही में क्रिप्टो पर भारी भरकम टैक्स लाद देने से क्रिप्टो कारोबारी विदेश में अपना ठिकाना बना रहे हैं, वहीं इससे क्रिप्टो निवेशकों का भी उत्साह गायब हो रहा है। अगर हम हाल के दिनों में विदेशों में क्रिप्टो के रुतबा बढ़ने की बात करें तो इस साल फरवरी से लेकर अब तक काफी कुछ बदल चुका है। जैसे कि 28 फरवरी को दुबई ने वर्चुअल एसेट्स कानून पारित किया। आपको बता दूं कि क्रिप्टो को ही वर्चुअल या डिजिटल एसेट्स भी कहते हैं। वहीं 8 मार्च को अमेरिकी राष्ट्रपति ने CBDC यानी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी के लिए कार्यकारी आदेश जारी किया। 14 मार्च को ही बहरीन ने बाइनांस को क्रिप्टो कारोबार करने का लाइसेंस दिया। 16 मार्च को दुबई ने बाइनांस को लाइसेंस दिया। 28 मार्च से रियो ने टैक्स के भुगतान के लिए क्रिप्टो को स्वीकृति दी। 2 अप्रैल को स्वीडन ने बाइनांस को लाइसेंस दिया। 4 अप्रैल को यूके ने क्रिप्टो हब बनाने की योजना बनाई। 6 अप्रैल को अमेरिकी रेगुलेटर SEC ने बिटकॉइन फ्यूचर्स ETF को मंजूरी दी। इससे पहले अमेरिका में क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज कॉइनबेस को शेयर बाजार में लिस्ट होने की मंजूरी मिल चुकी है और कंपनी शेयर बाजार में लिस्ट भी हो चुकी है। 7 अप्रैल को स्वीडन ने CBDC यानी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी का दूसरा टेस्ट भी पूरा कर लिया है। 10 अप्रैल को अबू धाबी ने बाइनांस को सैद्धांतिक तौर पर मंजूरी दी है। 4 मई को फ्रांस के फाइनेंशियल रेगुलेटर ने बाइनांस को DASP यानी डिजिटल एसेट्स सर्विस प्रोवाइडर का लाइसेंस दिया। उम्मीद है दुनिया भर में जिस रफ्तार से क्रिप्टो करेंसी को मान्यता मिल रही है उसे देखकर भारत सरकार भी कुछ गंभीर होगी और इस पर जल्द ही साफ साफ कानून बनाने की पहल करेगी। तो दोस्तों बी योर मनी मैनेजर में आज इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद। दोस्तों ये मेरी 7 किताब है जो कि
amazon.com पर पब्लिश है। आप इसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। इन किताबों के लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। इन 7 किताबों में से 5 किताब मनी मैनेजमेंट पर है, यानी पैसा निवेश करके अधिक पैसा कैसे कमाएं पर आधारित है।